गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ एंड दिस इज आवर सिक्स चैप्टर. लास्ट क्लास वी कम्प्लीटेड आवर चैप्टर फाइव एंड टुडे इज वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर सिक्स. और चैप्टर का नाम क्या है? प्रोनाउंस. ठीक है, प्रोनाउंस आर द वर्ड यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन. मैंने आपको बता दिया नाउन क्या है. नाउन एक चीज, एक आदमी, एक जानवर और पक्षी जैसे कोई चीज का नाम बोलते हैं. ठीक है, वहां पे क्या है यूज करते हैं, वहां पे नाम को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं. यहाँ पे है ये नाउन्स का जगह और हम लोग बोलते हैं इंस्टेड ऑफ नाउन. ठीक है, बार बार एक नाम यूज करने में तो सेंटेंस के अंदर यूज करते तो अच्छा नहीं लगता. देखो यहाँ पे ओके, रामू इज ए गुड बॉय. ओके, रामू स्टडिंग इन क्लास फाइव. देखो बार बार मैं रामू रिपीट करते तो अच्छा नहीं लगते है. मेरे को हमको कर सकते ही. ठीक है, हीज, हिम, हिमसेल्फ. ओके, अलग अलग वर्ड्स मेरे को यूज करते कर सकते. जो जैसे मैं जो रामू का जगह, रामू क्या होता है इसका यहाँ पे नाउन है. ठीक है, ये नाउन का जगह मैं ये वो अदर वर्ड यूज करते है. जो अदर वर्ड को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं. समझ में आ गई? ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज ओके, आपको क्या है छोटा डेफिनेशन है, आपको थोड़ा याद रखना है बस. जो क्या इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन का जगह यूज करते हैं, इतना ही है क्या प्रोनाउन. ठीक है, प्रोनाउंस आर ऑफ वेरियस काइंड, अलग अलग टाइप्स होते हैं प्रोनाउंस. ओके, फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन और पोसेसिव प्रोनाउंस. हियर ओके, सब्जेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव्स. ओके, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस एंड रिलेटिव प्रोनाउंस. ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड इंडिफिनेट प्रोनाउंस. ओके, ये सेवन डिविशंस है और सेवन टाइप्स है और काइंड्स है. ठीक है, फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ठीक है, ये पर्सनल प्रोनाउन. द पर्सनल प्रोनाउन सो कॉल्ड बिकॉज दे स्टैंड फॉर द थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन्स. ओके, ये पर्सनल प्रोनाउन किसी लिए बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन. ओके, यहाँ पे है थ्री पर्सन्स. ओके, द फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ओके, यहाँ पे बोला बोला दिखा हुआ है. ओके, द पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर थ्री पर्सन. थ्री पर्सन कौन सा है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. आपको याद होगा लास्ट ईयर क्लास में मैं तो जैसे डेमोन्स्ट्रेशन किया था क्लास के अंदर. ठीक है, द पर्सन हु स्पीक्स. देखो अभी ओके, यहाँ पे ये दोनों बातें कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे ये स्क्वायर और ये ओके, यहाँ पे ये माउस, यहाँ पे उनको बातें बोल कुछ बोल रहा है. ये फर्स्ट पर्सन होते हैं. क्या है? फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन के यहाँ पे आपको क्या करते कर सकते? आई, मी, माइन, माई, माई सेल्फ. ये दोनों को क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं. ठीक है, ये फर्स्ट और सेकेंड पर्सन है. ठीक है, मतलब ये फर्स्ट पर्सन के अंदर आपको क्या क्या यूज करना है? आई, मी, माई, माई, माई सेल्फ. देखो आपको याद करने के लिए मैंने आपको यही से करा. मैंने पिछले बार भी ये सेम किया, दोनों बच्चों को बुला के, तीन बच्चों को बुला के मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया है. यहाँ पे ये कुछ बोल रहा है. ठीक है, यहाँ पे अगे ये बोल रहा है आई एम ए माउस. ठीक है, कौन है? आई एम ए माउस. ओके, यहाँ पे सेकेंड पर्सन. ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन ये है, सेकेंड पर्सन. ओके, सेकेंड पर्सन के अंदर क्या आएगा? यू, यूर्स. ओके, यू, योर, यूर्स, योर सेल्फ. ओके, सच एज वर्ड्स. ओके, दो
आप हम लोग कहते हैं, और हिंदी में हम लोग तू बोलते हैं, हम लोग जैसे नॉर्मली बोलते हैं हम लोग आप कहते हैं। देखो यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट पर्सन, ये माउस, ये स्क्वायर को, ये क्यूब स्क्वायर को क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। ओके, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को बोलते हैं द पर्सन हु इज स्पोकन टू। ओके, इसको कुछ बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। ये अभी सेकंड पर्सन आ गई। यहाँ पे देखो मैंने तीसरा रखा है। ठीक है, यहाँ पे द पर्सन हु स्पोकन अबाउट, ये दोनों मिलके इसके बारे में कुछ बोलते हैं। ठीक है, इट में भी यूज करते हैं। ओके, ही ओके, समझ में आ गई। ओके, इट, शी, हेयर, अगर जैसे यूज करते यहाँ पे हमको चीज है, हमको इसीलिए ये माउस और ये क्यूब मिलके ये तीसरा इसके बारे में बात करते हैं। ये थर्ड पर्सन, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीसरा पर्सन नहीं है, ये तीसरा पर्सन के बारे में बोलते हैं। ये है आपका थर्ड पर्सन, समझ में आ गई। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, पर्सनल प्रोनाउंस आर रिलेटेड टू पॉसिव प्रोनाउन, पॉसिव एडजेक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस, टू अंडरस्टैंड ऑल दिस क्लियरली टू दिस यू हैव टू प्रैक्टिस दिस टेबल। आपको क्या करना है, ये टेबल आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको जो ये प्रोनाउन के अंदर ये पर्सनल प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट पर्सन आपको समझना चाहिए, सेकंड पर्सन होना चाहिए आपको याद होना चाहिए, और थर्ड पर्सन। ओके, सबसे फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है ये टेबल। ठीक है, सो द फर्स्ट पर्सन और द स्पीकर। ओके, अगर यहाँ पे दिया पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आएगा, पॉसिव पोसेसिव, पोसेसिव एडजेक्ट प्रोनाउन आएगा, रिफ्लेक्सिव। अगर अलग अलग दिया हुआ है आपको, इसमें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्लूरल में हम लोग क्या यूज़ करते हैं। सिंगुलर के अंदर आपको यूज कर सकते ओके आई, ओके आई एम, और मी, माइन, माई और माई सेल्फ। ठीक है, आपको अभी देखो ये सब्जेक्ट के अंदर, और हमको प्लूरल के अंदर, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, प्लूरल के अंदर आपको यूज कर सकते वी, अस, आवर्स, आवर और आवर सेल्फ, याद रखना। ओके, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई, मी, माइन, माई, माई सेल्फ। ठीक है, और प्लूरल में वी, अस, आवर्स, आवर, आवर सेल्फ, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ओके, देन द सिंगुलर ओके सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन कैसे कैसे करोगे, सेकेंड पर्सन सिंगुलर में यू, यू यू यूज करते, यूएस यूज कर सकते, यूअर यूज करते और यूअर सेल्फ यूज कर सकते हैं। ओके, सिंगुलर के और प्लूरल के अंदर भी यू यू ही होते हैं। ठीक है, मतलब यू का अगर प्लूरल फॉर्म नहीं मिलते हैं, और यूअर्स आपको यूज करता कर सकते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन में। ठीक है, और योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव में। अगर नेक्स्ट वन थर्ड थर्ड पर्सन। ओके, यहाँ पे सिंगुलर के अंदर आपको यूज कर सकते ही, शी, इट। ओके, और हिम, हेयर, इट, हिज, हैज, इट्स, हिज, हेयर, इट, हिमसेल्फ, हेयर सेल्फ, इट सेल्फ। देखो प्लूरल में दे यूज यूज करते हैं, देम यूज करते हैं, देयर्स, देयर, देम सेल्फ। देखो इतना देखो सिंपल है। ओके, थोड़ा आपको इसमें याद रखना है, आपको नोटबुक में ये वाला टेबल आपको बनाना पड़ता है। ओके, यहाँ पे है अंडरलाइन द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन आपको अंडरलाइन करना है। ये देखो ब्रैकेट में दिया हुआ है। ओके, आई ओके डू माय होमवर्क माय सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट के अंदर पर्सनल प्रोनाउन आपको यूज करना है। यहाँ पे आई क्या आएगा, आई डू माय होमवर्क। ठीक है, यहाँ पे शी और आई दिया हुआ है, और इज एक्साइटेड दैट क्रिसमस इज कमिंग। ठीक
यहाँ पे आई के साथ हम कभी ईस आड नहीं करते, इसलिए शी ईस, यहाँ पे क्या आएगा, शी ईस। ओके, सेलिना मेट डयाना एस्टरडे। ओके, डैश मीट हेयर एट द पार्क, यहाँ पे सेलिना है और डयाना है, यहाँ पे दोनों क्या है, नाउन क्या है, जेंडर, देखो जेंडर कौन सा आएगा, पुल्लिंग, पुल्लिंग को इंग्लिश में फेमिनिन बोलते हैं। ओके, फेमिनिन है, फेमिनिन को इंडिकेट करते हैं यहाँ पे शी, शी मीट हेयर एट द पार्क। माई फ्रेंड एंड माई आई प्ले बैडमिंटन। ओके, ये दे बोलते नहीं, वी, हम, ठीक है, हम, वी एन्जॉय टुगेदर। डेसी इज ए फ्लावर ऑफ वाइट पेटल्स। ओके, डेसी क्या है, एक फ्लावर है, फ्लावर मतलब एक चीज़ है, ये कि किसी का नाम नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हमको क्या कर सकते हैं, इट इज ए ब्यूटिफुल एज टूलिप्स। टॉम एंड लूसी वेर एक्साइटेड। ओके, टॉम एंड लूसी, ओके, ये क्या होता है, ये थर्ड पर्सन आता है। ओके, यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, दे। ओके, वी आर गोइंग टू द सू, दे आर, नॉट वी आर, ठीक है, ये देखो यहाँ पे है आपको, ये थर्ड पर्सन है, डेसी इसे फ्लावर थिंग होते हैं। ओके, थर्ड पर्सन है, और यहाँ पे वी, वी मतलब क्या होता है, माई फ्रेंड एंड एंड आई। ओके, यहाँ पे क्या होते हैं, प्लूरल आएगा, दो जन है, प्लूरल आएगा, इसलिए यहाँ पे वी यूज़ किया है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म। यहाँ पे सेलिना मीट डायना एस्टरडे, मतलब क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन है और क्या है, नो, ये तो सेलिना मीट डायना। ओके, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हम लोग शी यूज कर, शी मीट हेयर एट द पार्क। यहाँ पे इज एक्साइटेड द क्रिसमस इज कमिंग, देखो ये सिंगुलर फॉर्म के साथ इस आएगा। ओके, और प्लूरल के साथ है तो आर यूज़ करते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आई के साथ ई कभी यूज़ नहीं करते हैं, आई के साथ यूज़ करना है तो नॉर्मली आई एम यूज़ करते हैं, ठीक है, और आई इस यूज़ नहीं करते, इसलिए यहाँ पे शी यूज़ किया है। आई डू माई होमवर्क क्यों यूज़ किया है, ही डू माई, ओके, कि यहाँ पे माई सेल्फ लिखा है, मतलब क्या है, मैं खुद मेरा होमवर्क करते हैं, इसलिए यहाँ पे आई ऐड किया है। अंडरलाइन द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट। आई एम गिविंग डार्ट दिस कैट, डू यू लाइक इट, यहाँ पे देखो यू दिया हुआ है, आई एम गिविंग हिम दिस कैट, डू यू लाइक इट, मतलब क्या होता है, हम वो जैसे आपको मैं ये देखो यहाँ पे यू यू दे रही हूँ मैं, मतलब क्या होता है, ये सेकेंड पर्सन सिंगुलर है। ओके, यहाँ पे यू दिया है सेकेंड पर्सन, आई एम गिविंग यू, ठीक है, हिम हम लोग कब बोलते हैं, थर्ड पर्सन में बोलते हैं, यहाँ पे दो है, आई एम गिविंग यू, सेकेंड पर्सन आगे। ओके, द टैप इज लीकिंग, कैन यू फिक्स, ठीक है, टैप क्या है, टैप है ये थर्ड पर्सन है, ये थिंग है, थिंग्स क्या ऐसे आएगा, थर्ड पर्सन आएगा, थर्ड पर्सन के साथ हमको हिम यूज नहीं कर सकते, इट यूज कर सकते हैं, समझ में आ गई। ओके, ही हैड समथिंग टू टेल All of मतलब क्या होते हैं, All of मतलब क्या होते हैं, ठीक है, ये प्लूरल होते हैं, प्लूरल कैसे हैं, ओके, फर्स्ट पर्सन प्लूरल होते हैं, All of us, ठीक है, All of me कम बोल नहीं सकते, ठीक है, एक गलती आएगा, ठीक है, When you see, will you give him the message? ओके, यहाँ पे है ओके, यहाँ पे आपको यहाँ पे देखो व्हेन यू सी, ओके, यहाँ पे सेकंड पर्सन है, आपको क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा, व्हेन यू सी
ओके यहाँ पे हिम विल यू गिव हिम द मैसेज, ओके आप उनको मिलते और देखते तब आप उनको मैसेज दे सकते हैं क्या। शी वांट्स वांट द की, कैन यू गिव इट टू हर। यहाँ पे शी है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग के साथ हमको क्या कर सकते हैं, क्योंकि सिंगुलर में यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में आपको हेयर यूज करना पड़ता है। हु आर दोस बॉयज, ओके दोस बॉयज कैसे आएगा, आई डोंट नो दम, ठीक है। बॉयज मतलब क्या होता है, थर्ड पर्सन आते हैं, ओके दोस्त, दोस्त मतलब सेकंड और थर्ड पर्सन, एक और फर्स्ट और सेकंड हो गया, ओके फर्स्ट और सेकंड हो गया, ये थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, हु आर दोस बॉयज, ओके ओके। तो इसलिए आपको दम यूज करना है, ओके अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पोसेसिव प्रोनाउन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।